बुआ दादी ने लगाई सावी की क्लास, सावी को कहा रहे नित्यम से दूर। बात हो रही है कलर्स टीवी के शो सावी की सवारी के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी को क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहां सावी बुआ दादी को डालमिया हाउस छोड़ देती है और इसी बीच बुआ दादी सावी से कहती हैं कि तुम रिक्शा चलाने की बजाय अगर शादी कर लो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारी उम्र हो चुकी है, एक लड़की को ज़्यादा दिनों तक कुंवारा नहीं रहना चाहिए। जहां बुआ दादी के इन बातों से सावी को समझ नहीं आता कि वो उनको सच बताए या फिर ना बताए और इसी बीच सावी जो है बुआ दादी से कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ कोई लड़का और उसके बाद ही शादी करूँगी। लेकिन इतने में बुआ दादी कहती हैं कि तुम मेरे बेटे नित्यम पर अपनी नज़र भी मत डालना क्योंकि तुम्हारी नज़र में बहुत बड़ा खोट है। हमने तुम्हें शादी की नसीहत इसलिए दी क्योंकि किसी लड़की का इतने देर तक कुंवारा रहना सही नहीं है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सावी बुआ दादी से पैसे नहीं लेती और बुआ दादी कहती हैं कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो एक्स्ट्रा पैसे ले और वो लोग तो खासकर बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने हक के पैसे नहीं मांगते। तो तुम ये काम करने की बिल्कुल कोशिश मत करना और मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझसे पैसे नहीं लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने पोते से करवा दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद सावी वहां से निकल जाती है। अब देखना ये होगा कि जब बुआ दादी को ये पता चलेगा कि वही ऑटो रिक्शा वाली नित्यम की पत्नी है तो बुआ दादी क्या करेंगी। इस ट्रैक को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कॉमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।